हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की बायोग्राफी के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग इंदिरा जी की जीवनी देखते हैं। इंदिरा जी के जन्म की बात करें तो 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद यूनाइटेड प्रोविंस में हुआ था, और इनकी मृत्यु की बात करें तो 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में। कार्य व पद की बात करें तो ये राजनेता थी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की चौथी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी भारत की, तो याद रखिए क्रम में चौथी और वैसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी जी। वो एक ऐसी महिला थी जिसने न केवल भारतीय राजनीति बल्कि विश्व राजनीति के क्षेत्र पर भी विलक्षण प्रभाव छोड़ा। इसी कारण उन्हें लोहिया लोहे महिला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान थी। नेहरू के प्रधानमंत्री रहते ही उन्होंने सरकार के अंदर अच्छी पैठ बना ली थी। एक राजनीतिक नेता के रूप में इंदिरा गांधी बहुत ही निष्ठुर माना जाता है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने प्रशासन का जरूरत से ज्यादा केंद्रीयकरण किया। उनके शासनकाल में ही भारत में एकमात्र आपातकाल लागू किया गया और सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में ठूंस दिया गया। भारत के संविधान के मूल स्वरूप का संशोधन जितना उनके राज में हुआ उतना और किसी ने कभी भी नहीं किया। उन्होंने शासन के दौरान बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत पाक युद्ध हुआ और बांग्लादेश एक नए देश का जन्म हुआ। पंजाब से आतंकवाद का सफाया करने के लिए उन्होंने अमृतसर स्थित सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में सेना और सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। इसके कुछ महीनों के बाद ही उन्होंने उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए इंदिरा गांधी को भारतीय इतिहास में हमेशा जाना जाएगा। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में प्रसिद्ध नेहरू परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी थी। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू और दादा मोतीलाल नेहरू थे। जवाहर और मोतीलाल दोनों सफल वकील थे। दोनों ने ही स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंदिरा गांधी की माता का नाम कमला नेहरू थी। उनका परिवार आर्थिक और बौद्धिक दोनों दृष्टि से बहुत संपन्न था। उनके दादा मोतीलाल नेहरू ने उनका इंदिरा नाम रखा था। इंदिरा दिखने में अत्यंत प्रिय थी, इसलिए पंडित नेहरू ने उन्हें प्रिय दर्शनी के नाम से पुकारते थे। माता पिता का आकर्षण व्यक्तित्व इंदिरा को विरासत के रूप में मिला। इंदिरा गांधी को बचपन में एक स्थिर पारिवारिक जीवन नहीं मिल पाया क्योंकि पिता हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन में व्यस्त रहे, और जब वह 18 वर्ष की थी तब उनकी माता कमला नेहरू जी भी तपेदिक के कारण वे चलबसी मतलब मृत्यु हो गई उनकी। पिताजी की राजनीतिक व्यस्तता और माँ के खराब स्वास्थ्य के कारण इंदिरा को जन्म के कुछ वर्षों बाद भी शिक्षा का अनुकूल माहौल नहीं उपलब्ध हो पाया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रात दिन आने जाने के कारण घर का वातावरण भी पढ़ाई के अनुकूल नहीं था, इसलिए पंडित नेहरू ने उनकी शिक्षा के लिए घर पर ही शिक्षकों का प्रबंध कर दिया था। अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में इंदिरा गांधी कोई विशेष दक्षता नहीं प्राप्त कर सकी। इसके बाद उनको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के विश्व भारती में पढ़ने के लिए भेजा गया। तत्पश्चात इंदिरा ने लंदन के बैडमिंटन स्कूल ऑफ
और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया और पढ़ाई में कोई विशेष दक्षता नहीं दिखा पाई और औसत दर्जे की छात्रा ही रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन के दौरान इनकी मुलाकात फिरोज गांधी से अक्सर होती थी, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। फिरोज को इंदिरा गांधी से ही जानती थी, इलाहाबाद से ही जानती थी। भारत वापस लौटने पर दोनों का विवाह 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में हुआ। अब स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी इंदिरा गांधी की देखते हैं। इंदिरा गांधी ने बचपन से ही अपने घर पर राजनीतिक माहौल देखा। उनके पिता और दादा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इस माहौल का प्रभाव इंदिरा पर भी पड़ा। उन्होंने युवा लड़के लड़कियों की मदद से एक बानर सेना बनाई, जो विरोध प्रदर्शन और झंडा जुलूसों के साथ संवेदनशील प्रकाशनों तथा प्रतिबंधित सामग्रियों का परिसंचरण भी करती थी। लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान भी वो इंडियन लीग की भी सदस्य बनी। इंदिरा ऑक्सफोर्ड से सन 1941 में भारत वापस लौटी। आने के बाद भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें सितंबर 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद सरकार ने उन्हें मई 1943 में रिहा किया। विभाजन के बाद फैले दंगों और अराजकता के दौरान इंदिरा गांधी ने शरणार्थी शिविरों को संगठित करने तथा पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की देखभाल करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अब इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो अंतरिम सरकार के गठन के साथ जवाहरलाल नेहरू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिए गए। इसके बाद नेहरू की राजनीतिक सक्रियता और बढ़ गई। त्रिमूर्ति भवन स्थित नेहरू जी के निवास पर सभी आगंतुकों के स्वागत का इंतजाम इंदिरा गांधी द्वारा किया जाता था। इसके साथ उम्र दराज हो रहे पिता की आवश्यकताओं को देखने की जिम्मेदारी इंदिरा गांधी पर पड़ गई। वह पंडित नेहरू की विश्वस्त सचिव और नर्स बनी। इंदिरा गांधी को परिवार माहौल में राजनीतिक विचारधारा विरासत में प्राप्त हुई। पिता की मदद के करते करते उन्हें राजनीति की भी अच्छी समझ हो गई। कांग्रेस की पार्टी कार्यकारिणी में उन्हें 1955 में ही शामिल कर लिया गया था। पंडित नेहरू इनके साथ राजनीतिक परामर्श करते थे, उन पर अमल भी करते थे। धीरे धीरे पार्टी में इंदिरा का कद बढ़ता गया। मात्र 42 वर्ष की उम्र में सन 1959 में वह कांग्रेस की अध्यक्ष भी बन गई। नेहरू के इस फैसले पर कई लोगों ने उन पर पार्टी में परिवारवाद फैलाने का आरोप भी लगाया, पर पंडित नेहरू की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि इन बातों को ज़्यादा तूल नहीं मिला। सन 1964 में नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर शास्त्री सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। अपने इस नए दायित्व का निर्वाहन इंदिरा गांधी ने कुशलता के साथ किया। सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर आकाशवाणी के कार्यक्रमों को मनोरंजक बनाया, उसमें गुणात्मक वृद्धि की। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आकाशवाणी से राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने में अतुलनीय योगदान दिया। इंदिरा गांधी ने युद्ध के दौरान सीमाओं पर जाकर जवानों का मनोबल ऊंचा किया, अपने नेतृत्व के गुण को दर्शाया। अब बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री पद की। इंदिरा गांधी 4 बार भारत की प्रधानमंत्री रही, लगातार 3 बार 1966 से 1977 तक, फिर चौथी बार 1980 से 1984 तक। सन 1966 में भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री चुनी गई। 1967 में चुनाव में वह बहुत ही कम बहुमत से जीत पाई और प्रधानमंत्री बनी। 1971 में एक बार फिर भारी बहुमत से भी प्रधानमंत्री बनी। 1977 तक रही। 1980 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी और 1984 तक प्रधानमंत्री पद पर रही। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने इंदिरा नाम का
प्रधानमंत्री पद के लिए सजाया, पर वरिष्ठ नेता मोरारी देसाई ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए स्वयं का नाम प्रस्तावित कर दिया। कांग्रेस संसदीय पार्टी द्वारा मतदान के माध्यम से इस गतिरोध को सुलझाया गया और इंदिरा गांधी भारी मतों से विजयी हुई। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। सन 1967 के चुनाव में कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ, पर पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। उधर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक खेमा इंदिरा गांधी का निरंतर विरोध करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। सन 1971 में के मध्य अवधि चुनाव, पार्टी और देश में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी, जिससे विपक्ष बहुत चक्का रह गया। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ नारे के साथ चुनाव में उतरी और धीरे धीरे उनके पक्ष में चुनावी माहौल बनने लगा। कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया। कुल 518 में से 352 सीटें कांग्रेस को मिली। चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि जनता ने ग्रैंड अलायंस कांग्रेस और जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का गठबंधन को नकार दिया। अब केंद्र में इंदिरा गांधी की स्थिति बेहद मजबूत हो गई और वह स्वतंत्र फैसले के लिए आजाद थी। अब पाकिस्तान के साथ युद्ध 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया। पहले की तरह एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। 13 दिसंबर को भारत की सेनाओं ने ढाका को सभी दिशाओं से घेर लिया। 16 दिसंबर को जनरल नियाजी ने 93,000 पाक सैनिकों के साथ हथियार डाल दिए। युद्ध में हार के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारत के समक्ष शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा, जिसे इंदिरा गांधी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ। तो याद रखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला समझौता हुआ तो इंदिरा जी के कार्यकाल में हुआ था। इंदिरा गांधी अमेरिकी खेमे में नहीं शामिल हुई और सोवियत संघ से मित्रता और आपसी सहयोग बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप 1971 में युद्ध में भारत की जीत में राजनीतिक और सैन्य समर्थन का पर्याप्त योगदान रहा रूस का। अब पाकिस्तान से युद्ध की बात की स्थिति करें तो पाकिस्तान युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने अपना ध्यान देश के विकास की ओर लगा दिया। संसद ने उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त था, जिससे निर्णय लेने में स्वतंत्रता थी। 1972 में बीमा और कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उनके इन दोनों फैसलों को अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने भूमि सुधार समाज कल्याण अर्थ जगत में कई सुधार लागू किए। अब आपातकाल की बात करें तो 1975 से 77 तक 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को भारी सफलता मिली। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए कार्यक्रम भी लागू किए करने की कोशिश की, पर देश के अंदर समस्याएं बढ़ती जा रही थी। महंगाई के कारण लोग परेशान थे। युद्ध के आर्थिक बोझ के कारण भी आर्थिक समस्याएं बढ़ रही थी। इस बीच सूखा अकाल में ने स्थिति और बिगाड़ दी। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों से भारत में महंगाई बढ़ रही थी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पेट्रोलियम आयात करने के कारण तेजी से घटता जा रहा था। कुल मिलाकर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, जिसमें उद्योग धंधे भी चौपट हो रहे थे। बेरोजगारी भी काफ़ी बढ़ चुकी थी और सरकारी कर्मचारी महंगाई से त्रस्त होने के कारण वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। इन सब समस्याओं के बीच सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगने लगे। सरकार ने सब परेशानियों से जूझ ही रही थी। इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित एक मुद्दे पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उनका चुनाव रद्द कर दिया। उन्हें 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और न्यायालय ने 14 जुलाई का दिन तय किया, पर विपक्ष को 14 जुलाई तक का भी इंतजार गवारा नहीं था। जयप्रकाश नारायण और समर्थित विपक्ष ने आंदोलन को उग्र रूप दे दिया। इस परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए 26 जून 1975 को प्रातः देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई।
जय विकास नारायण मोरारजी देसाई अन्य हजारों छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। सरकार ने रेडियो टीवी पर सेंसर लगा दिया, मौलिक अधिकारों भी लगभग समाप्त कर दिए। इंदिरा गांधी जनवरी 1977 में लोकसभा चुनाव कराए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही राजनीतिक कैदियों को की रिहाई हो गई, मीडिया की स्वतंत्रता फिर से बहाल कर दी गई, राजनीतिक सभाओं और चुनाव प्रचार की आज़ादी दे दी गई। शायद इंदिरा गांधी स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं कर पाई। अब जनता का समर्थन विपक्ष को मिलने लगा, जिससे विपक्ष अधिक सशक्त होकर सामने आ गया। जनता पार्टी के रूप में एकजुट विपक्ष और उसके सहयोगी दलों ने 542 में से 330 सीटें प्राप्त हुई, जबकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस को मात्र 154 सीटें हासिल हुई। सत्ता में वापसी की बात करें इनकी, तो 81 वर्षीय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने 23 मार्च 1977 को सरकार बनाई, पर यह सरकार शुरुआत से ही आंतरिक कलह से जूझती रही। अंततः अंतर्कलह के कारण अगस्त 1979 में यह सरकार गिर गई। जनता पार्टी के शासनकाल में इंदिरा गांधी पर अनेक आरोप लगाए गए और कई कमीशन जांच के लिए नियुक्त किए गए। उन पर देश की कई अदालतों में मुकदमे भी दायर किए गए और सरकारी भ्रष्टाचार के आरोप में श्री गांधी कुछ समय तक जेल में भी रही। इस तरह जनता पार्टी के अंतर्कलह के कारण उनकी सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही। दूसरी ओर इंदिरा गांधी के साथ हो रहे व्यवहार के कारण जनता को इंदिरा गांधी की सहानुभूति बढ़ रही थी। जनता पार्टी सरकार चलाने में असफल रही और देश के मध्य अवधि चुनाव का आभार झेलना पड़ा। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के लिए जनता से माफी मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पार्टी को 592 सीटें में से 353 सीटें प्राप्त हुई। इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी 1984 की बात करें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार और हत्या इनकी 1984 में भिंडरा वाले के नेतृत्व में पंजाब में अलगाववादी ताकतें सिर उठाने लगीं। वो भिंडरा वाले को ऐसा लगने लगा था कि अपने नेतृत्व में वो पंजाब का अलग अस्तित्व बना लेगा। स्थिति बहुत बिगड़ गई थी और ऐसा लगने लगा था कि नियंत्रण अब केंद्र सरकार के हाथ से भी निकलता जा रहा है। दूसरी ओर भिंडरा वाले को ऐसा लगने लगा था कि वह हथियारों के बल पर अलग अस्तित्व बना सकता है। सितंबर 1981 में भिंडरा वाले का आतंकवादी समूह हरी मंदिर साहब परिसर के भीतर तैनात हो गया। आतंकवादियों का सफाया करने के प्रयास में इंदिरा गांधी ने सेना को धर्मस्थल में प्रवेश करने का आदेश दिया। इस कार्रवाई के दौरान हजारों जाने गई। सिख समुदाय में इंदिरा गांधी के विरोध घोर आक्रोश पैदा हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार 5 महीने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो याद रखिए 31 अक्टूबर 1984 में।